करें छब्बीस सेप्टेम्बर की तो आज के दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑब्जर्व किया जाता है 2013 में न्यूयॉर्क में यू में न्यूक्लियर डिसमेंट के ऊपर एक मीटिंग हेल्ड की गई थी उसी मीटिंग में इस दिवस को मनाने के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ था न्यूक्लियर डिसमेंट की बात करें तो इसका अर्थ है कि जितने देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो लोग धीरे धीरे करके अपने न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग देंगे अब देखिए न्यूक्लियर वेपन्स के लिए काफी सारे ट्रीटीज और कन्वेंशन साइन किए गए हैं। इसमें सबसे पहले है 1963 में साइन की गई पार्शल टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसके तहत आउटर स्पेस और पानी के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग प्रोहिबिट करी गई थी अब देखिए इस ट्रीटी पे सबसे बड़ा ब्लॉट 22 सितंबर 1979 को लगा था जब मेडागास्कर के साउथ में इंडियन ओशन रीजन में एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन रिकॉर्ड किया गया था इस इंसिडेंट को हम फेमसली वेला इंसिडेंट के नाम से जानते हैं किसी ने भी इस एक्सप्लोजन को क्लेम नहीं किया था अब 1974 में भारत ने पोखरन वन न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इसीलिए सबसे पहले भारत के ऊपर ही उंगलियां उठी थी हाउएवर पैसेज ऑफ टाइम एंड स्पेशली आफ्टर पोखरन टू साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये मान लिया कि भारत वेला इंसिडेंट में शामिल नहीं था एंड ऑब्वियसली अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें, तो मेडागास्कर के आसपास अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट करना भारत के लिए फीजिबल नहीं था और आज के समय में कंसेंसस ये बन चुका है कि वेला इंसिडेंट एक ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट था जो कि साउथ अफ्रीका और इसराइल ने जॉइंटली कंडक्ट किया था अब देखिए पार्शियल बैंड ट्रीटी के बाद से दुनिया के वेरियस रीजन में न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोहिबिशन के लिए मल्टीलैटरल ट्रिटीज साइन होने लगी इनमें से सबसे पहले 1967 की ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन थी जिसके तहत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज ने खुद को पहला न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन इस्टेब्लिश कर दिया था मतलब कि इन कंट्रीज ने मिलके कहा था कि हम कोई भी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं करेंगे इस ट्रीटी को फेमसली ट्रीटी ऑफ ला टेलिको बोला जाता है अब देखिए लैटिन अमेरिका में कौन से देश आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा की नॉर्थ अमेरिका का मेक्सिको और साउथ अमेरिका के जितने भी देश हैं, वो सब लैटिन अमेरिका में आते हैं जबकि कैरेबियन देशों की बात करें तो अटलांटिक ओशन के इस रीजन में जो भी देश हैं, इनको हम कैरेबियन देश कहते हैं इस मैप में जो भी आपको ब्लू कलर के रीजन दिख रहे हैं वो सब न्यूक्लियर फ्री जोन है इसमें आपका लैटिन अमेरिका अफ्रीका साउथ ईस्ट एशिया सेंट्रल एशिया और साउथ पैसिफिक ओशन आता है येलो शेडेड रीजन की बात करें तो ये सब नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी के सिग्नेटरीज हैं, जबकि रेड में वो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इसीलिए भारत भी इसमें आता है अब देखिये नाइनटीन में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी इन न्यूयॉर्क इस ट्रीटी का एम न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को कम करना है इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना ये भी इस ट्रीटी का गोल है एंड लास्टली दिस ट्रीटी ऑल्सो एडवोकेट फॉर डिसआर्मेंट अब देखिए भारत ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है इसके पीछे मेन कारण ये है कि भारत का कहना है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनके पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं और जब तक ये देश एनपी को साइन नहीं करते हैं तब तक भारत भी इसको नहीं साइन करेगा न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में यू के मेंबर्स यानी कि रशिया चाइना यूएसए यूके और फ्रांस इनका बहुत ही हिपोक्रिटिकल स्टैंड रहा है इनके हिसाब से यही पांच देश न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकते हैं और बाकी देशों को एन साइन करके खुद को डिसम करना होगा बात करें ट्रीटी ऑफ ररो की तो ये न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन के लिए सेकेंड ट्रीटी थी अमंग दी कंट्रीज ऑफ साउथ पैसिफिक और ये ट्रीटी 1985 में आई थी इसी के 10 साल बाद यानी कि 1995 में हमारे जो आशियान देश हैं उन्होंने बैंकॉक ट्रीटी के तहत खुद को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया था और उसी के नेक्स्ट ईयर पेलिंडाबा ट्रीटी के थ्रू अफ्रीकन कंट्रीज ने भी खुद को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बना लिया था इसके बाद 1996 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी एडॉप्ट किया गया था इन वियना अब देखिये इस समय तक काफी सारे देश न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज करने लगे थे और इसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात हो रही थी और इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव इसी चीज को एड्रेस करना था इसके अलावा 1997 में कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी के फर्दरेंस में जॉइंट कन्वेंशन ऑन दी सेफ्टी ऑफ स्पेंट फ्यूल मैनेजमेंट एंड ऑन दी सेफ्टी ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट एडोप्ट किया गया था फिफ्थ सेप्टेम्बर 1997 में अब देखे इस ट्रीटी में पार्टिसिपेटिंग नेशंस के कमिटमेंट की बात की गई थी फॉर सेटिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क्स मार्क्स हाउएवर दिस वॉज दी फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट जिसके तहत न्यूक्लियर फ्यूल को स्पेंड करने के लिए और रेडियो एक्ट वेस्ट को मैनेज करने के लिए ग्लोबल स्केल पे एफर्ट्स इनिशिएट करने की बात की गई थी अब देखिए इसको अडोप्ट किया गया था 1997 में हाउ एवर इट केम इनटू फोर्स इन टू इसके बाद 2006 में सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने भी खुद को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज आती हैं, एक्सक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान एंड रशिया एंड चाइना मतलब कि कजाकिस्तान उजबेकिस्तान एक्सेट्रा ये सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं